हेलो, कैसे हैं सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी ना 11 बज रहे थे, तो हम लोग ना पता है शादी के लिए आए हैं। मेरी एक ननद है, उनके यहाँ शादी है, आज रिसेप्शन पार्टी है, तो उसी के लिए पता है हम लोग बहुत जल्दी जल्दी अचानक से निकले हैं बस से, इसीलिए 20 घंटे का सफ़र करके आए, नहीं तो हम लोग ट्रेन से आते 8 तारीख के बाद। तो आज है 6 तारीख, 6 को रिसेप्शन है। और ये हमारे नांदी का बस स्टैंड है, और यहाँ से सारी बसें जाती है नागपुर, बालाघाट, मलाजखंड। तो हम लोग जा रहे हैं मलाजखंड, बस यहाँ से डायरेक्ट जाती है, इसलिए हम लोग यहीं पे आके बैठते हैं। तो ये देखो बच्चे लोग खेल रहे हैं, अपना खेलते रहते हैं। और पहले एक भी कुछ दुकानें नहीं थी यहाँ पे, 10-20 साल 30 साल पहले, अभी 10-1 साल हुआ है यहाँ इतना डेवलप हुआ है। तो कहाँ जा रहा हूँ? शादी में बिरसा, मलाजखंड बिरसा, मलाजखंड बिरसा जा रहा हूँ मैं। शादी है तो यहाँ पर बैठ के मैं चॉकलेट के मजे ले रहा हूँ। ये मेरी नानी है, मैं नानी को चंदन लगाऊंगा, लूटूंगा नानी को। क्या क्या लेगा तू? मेरे को ही लूट ले, मेरे को ही लूट ले बस। मैं सबसे सबसे पहले तो सेंट ले लूं, परफ्यूम लेऊंगा, और फिर खिलौने। ठीक है ठीक है, अभी देखो बस आ रही है क्या। एक स्कूटी, स्कूटी नहीं यहाँ की साइकिल, मेरे वाले फिर लगता भी नहीं और खुलता भी नहीं। खा रहा है ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी पड़ेगी तो फूल लेंगे भी। हाँ अच्छे से। और हम लोग यहाँ से 11 बजे निकले हैं, ये बस हमको सीधे छोड़ेगी मलाजखंड, और आज का सफ़र देखते हैं 5 बजे तक लगभग पहुँचेंगे। तो सोच लो 6 घंटा आज भी होने वाला है सफ़र सफ़र सफ़र। तो ना चारू ने मना कर दी, नहीं तो वो आती, तो फिर मैंने मम्मी की तैयारी करवाई, और मम्मी आ रही तो बच्चे तो आएंगे ही ना। आ जा और रात में हम लोग ना जल्दी से खाना खा के सो गए, इतने थक गए थे ना। सच में बस का सफ़र बहुत ही ज़्यादा हेवी हो जाता है भाई, 4-व्हीलर से जब हम जाते हैं ना, तो वो भी, पर मुझे तो ट्रेन का ही सफ़र सूट है। तो काव्या थक गई थी, काव्या नहीं आने का बोल रही थी, तो फिर मम्मी भी आ रही थी ना, इसलिए फिर हमको काव्या को लेके आना पड़ा। और ना मेरे पैर भी इतने फूल गए थे बैठे बैठे, भगवान अब तो मैं कभी ना आऊँ बस से, लास्ट बार है, अब तो ट्रेन से ही आना जाना करेंगे। हम लोग पहुंच गए वाराणसी, और यहाँ से फिर दीदी लोग भी बैठने वाली है हमारे साथ, मेरी ननंद लोग, तो वो लोग, एक दीदी यहाँ से बैठेगी, एक बालाघाट से बैठेगी। चलो ठीक है, पहुँचते हैं हम, फिर देखते हैं। और देखो हम लोग तैयार हो गए हैं, ये दीदी है मेरी ननंद छोटी वाली, और अभी रात का टाइम है, इधर है पार्टी, घर अलग है, तो बस पीछे से सभी लोग आ रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लगा, हम लोग 5 बजे पहुंच गए थे, हम लोग को आने में 5.5 घंटे लगे हैं भाई। हम लोग ना थक भी गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उस दिन भी इतना सफ़र हो गया 20 घंटे का, फिर इधर भी, तो ना बहुत थक गए थे। पर बच्चों को कभी थकावट नहीं आती, वो कितना ही घूम ले, वो लोग ना एक्टिव होते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, और हम लोग छोटे लोग नहीं, हम लोग बड़े लोग थक जाते, थकान आ जाती। देखो सब लोग हाय बोल रहे हैं, तो ये हम लोग सब, ये जो है दीदी लोग हैं सब, तो दीदी देवरानी ऐसे होते हैं सब लोग रिश्तेदारी में। और हम लोग शादी में आए हैं मेरी ननंद के यहाँ, ये लोग वेलकम में खड़े हैं, सब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं। और मैं हाँ, इस साल की मेरी ये शायद पहली ही शादी है, मैं पहली शादी अटेंड कर रही हूँ, और ना बस आने का मन कर लिया इसलिए हम लोग आ गए, नहीं तो फिर तो नहीं आ पाते शायद। तो बस अचानक से कभी कभी आने का मूड हो जाता है ना, तो अचानक से ऐसे ही मूड हो गया हमारा आने का। तो चलिए देखिए, आप लोग भी एंजॉय करिए हमारे साथ शादी यहाँ की।
और ये यहीं पे ना दीदी लोग का फॉर्म है जो हम जिनके यहाँ शादी में है। बहुत बड़ा फॉर्म है, बहुत सारी गैया हैं, बहुत बड़ी बड़ी, घर अलग है फॉर्म अलग है, फॉर्म भी घर से बड़ा है, बहुत मज़ा आता है। अभी सब लोग नाच रहे गा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत इंजॉय किया हमने। हमारे भांजे की शादी थी तो हमारी बहू आई है तो बस अच्छा है, शादी में जाओ नाचो। और ये जो है ना ग्रीन साड़ी वाली, ये दादू की रियल बुआ है, तो सब लोग बहुत डांस किए हैं।